डियर बॉयस, दिस वैलेंटाइंस, इससे पहले कि तुम एक परफेक्ट हस्बैंड बनो या फिर एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनो या फिर तुम एक एक्सक्लूसिव सा डिनर प्लान करो अपने वैलेंटाइन के लिए या फिर तुम एक एक्सपेंसिव से रिंग या कोई भी एक गिफ्ट बाय करो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आज क्या रियलाइज़ किया। ये सारी चीज़ें एक्चुअली में मैटर नहीं करती, ये रिंग्स, ये एक्सपेंसिव गिफ्ट्स या ये डिनर्स, क्रूज पार्टीज़, ये सब एक्चुअली में मैटर नहीं करती। जो एक्चुअली में मैटर करता है वो है कि तुम उसे कितना समझ रहे हो। हाँ, जस्ट अंडरस्टैंड हर, दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। आज का ये मैसेज उन सारे बॉयज़ के लिए जो अपनी गर्लफ्रेंड्स या वाइफ्स के लिए एक परफेक्ट सोलमेट बनना चाहते हैं। अगर आप भी बनना चाहते हो तो ये वीडियो को पूरा देखो एंड मैंने जो भी लिखा है वो सुनो एंड फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग इससे एग्री करते हो या नहीं। अगर करते हो तो वीडियो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, और नहीं करते हो तो तुम्हें को वैसे भी व्यू तो मिल ही रहा है। तुम लोग एक बेस्ट सोलमेट बनने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बस आप उसे समझो। आपको ये बात समझना बहुत ही ज़रूरी है कि लव, कैरिंग, अफेक्शन, प्रोटेक्शन, ये सब उसके नेचर में। नेचर ने उसे कैरिंग, लविंग, प्रोटेक्टिंग बनाया हम सबके लिए। जैसे उसका पर्पस आपके लाइफ में एज अ वाइफ और गर्लफ्रेंड, वैसे उसका पर्पस उसके बाकी मेल फ्रेंड्स के लाइफ में भी है। वी आर प्रोग्राम टू थिंक दैट, लाइक हमें प्रोग्राम किया गया है ये सोचने के लिए कि वो नेचुरली जो उसके फ्रेंड्स के साथ बिहेव करती है, हमें ऐसा लगता है कि वो चीट कर रही है हम पे, बट नहीं, शी इज़न्ट। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ उसके और किसी मेल फ्रेंड के साथ बात करती है या चैट करती है तो उस पर डाउट करना एंड जेलस होना हमारा एक हैबिचुअल पैटर्न हो गया ड्यू टू दिस प्रोग्रामिंग। इस चीज़ का मैं भी कुछ महीनों पहले विक्टिम था, मतलब मैंने भी मेरे एक्स गर्लफ्रेंड के साथ इसी रीज़न की वजह से ब्रेकअप किया था। मेरे को लगा कि वो मेरे पे चीट कर रही है, बट जब मैंने ब्रेकअप के बाद इस बारे में गौर से सोचा तब मेरे को पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नेचर ने उसे इतना कैरिंग एंड प्रोटेक्टिंग बनाया कि वो उसके नेचुरल बिहेवियर में आ गया एंड इसी चीज़ को मैं चीटिंग समझ बैठा एंड मेरे को डाउट्स आने लगे एंड डाउट्स की वजह से झगड़े बढ़ने लगे, डिस्टेंसेस बढ़ने लगे एंड लाइक लाइफ बहुत टॉक्सिक एंड हेल हो गई थी। सो वी ब्रोक अप। ये सारी चीज़ें होने के बाद, मतलब ब्रेकअप होने के बाद, मैं काफ़ी महीनों तक सिंगल था एंड काफ़ी चीज़ें भी चल रही थी लाइफ में एंड बहुत लोनलीनेस था एंड डिप्रेशन, एन्जाइटी, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि अब बात नहीं करें तो ये अच्छा है, बिकॉज वो बैड मेमोरी है एंड मेरे को उसको याद नहीं करनी है। तो अब फाइनली, लाइक जब मैं कॉलेज में था तब एक बंदी मिली मेरे को, लाइक हु इज़ माई ड्रीम गर्ल, जो जिससे मैं नहीं चाहता कि मैं कभी भी दूर रहूँ या ऐसे इन जो भी मेरी पास्ट की गलतियाँ थी या जो मेरे को लगता था कि डाउट्स है एंड जो चीटिंग एंड स्टफ है, तो मेरे को नहीं चाहता कि वो प्रोग्रामिंग की वजह से मैं इस बंदी से दूर जाऊँ। तो इस वैलेंटाइंस जैसे मैं ये वीडियो बना के एक मैसेज दे रहा हूँ आप सारे बॉयज़ को, वैसे उसी मैसेज में ये मैसेज मैं उसके लिए भी देना चाहता हूँ कि सो नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई विल ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड यू माय लव, I'll always try to understand your emotions, no matter what I see. I'll try to understand your situation, no matter what I hear. I'll always understand your feeling, because deep down, I know that I'm yours and you're mine, and we both love each other with all our heart. So thank you for coming in my life and being a big part of it. Dear Aditi. Aditi? Hey, yaar, hey, Gagan bhai, kya yaar, har bar Aditi, Aditi dal dete. Script kya hai, kya script hai, aisa kaisa chalega Gagan bhai? कौन है यार आदित्य? अगर आदित्य नाम की कोई भी व्यक्ति गगन भाई के फॉरवर्डेड मैसेज में से ये देख रही है तो भाई रिप्लाई कर दो यार उसको, ये क्या है, कटे भाई, पैकअप करो।